हेलो गाइस, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक नया फेस पैक लेकर, जो कि है कॉफ़ी का फेस पैक। क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं कि डार्क सर्कल्स और बहुत ज़्यादा फेस पे टैनिंग हो गई है गर्मी की वजह से, तो मैंने सोचा आज मैं ट्राई करती हूँ कॉफ़ी का फेस पैक। तो उसके लिए मैंने ये ली है दो चम्मच कॉफ़ी है इसमें, और इसमें हम डालेंगे एक चम्मच बेसन। तो उसमें मैंने ऐड कर दिया है एक चम्मच बेसन, और इसमें हम डालेंगे 2 स्पून हनी। मैंने ये आयुर्वेदिक लिया है, आप कोई सा भी हनी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, आप डाबर का या कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने आयुर्वेदिक का ही लिया है इसमें। तो उसमें हम 2 स्पून डालेंगे हनी, और 1 स्पून हम इसमें डालेंगे एलोवेरा। ये मैंने मामाअर्थ का यूज़ कर रही हूँ, आप पतंजलि या जो फ्रेश एलोवेरा भी यूज़ कर सकते हैं प्लांट से तोड़ के। तो इसमें हम 1 स्पून डालेंगे एलोवेरा, तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे गाइस। मतलब ये ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? ऐसा मतलब बनाना है कि फेस पे इजीली आप लोगों के लग जाए। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि जो भी आपने इसमें डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए हमारा फेस पैक जो है बन के रेडी हो चुका है, और अब मैं इसको अप्लाई करूंगी अपने फेस पर। और इसको हमें मतलब 10 से 15 मिनट तक अपने फेस पे इसको लगा के रखना है। मैं तो हैंड ही यूज़ करती हूँ और अपना, जब भी मैं फेस पैक लगाती हूँ मुझे तो बहुत अच्छा लगता है हैंड से। ये हैंड से क्या होता है फेस पे इजीली हम लोगों के लग जाता है। तो ये देखिए इसको पूरे फेस पे हम लोगों को लगाना है। मुझे अपना फेस जो है बहुत ज़्यादा क्लीन लग रहा है फेस पैक यूज़ करने के बाद। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी स्किन जो है ग्लो करने लग जाए, तो आप इस फेस पैक को यूज़ कर सकते हो। हफ्ते में 2 या 3 बार आप इसको लगा सकते हो, और सच में मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा फ्रेश सब फील हो रहा है फेस पैक यूज़ करने के बाद। तो सो गाइज अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस ऐसी ब्यूटी टिप्स आपके लिए लेके आती रहूं, तो जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट भाग के जाइए और उसको सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे फेसबुक और इंस्टा चैनल को भी फॉलो कर लीजिए ताकि आप ऐसी ब्यूटी टिप्स रोज मेरी देख सकें। ओके गाइज, बाय बाय।